अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आज आप लोगों को अपनी फेवरेट स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मदीहा राव के क्लिनिक लेके आई हूँ हाइड्रा फेशियल के लिए, क्योंकि मुझे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि हाइड्रा फेशियल के बारे में हमें कुछ बताएं, तो हम उनसे ही पूछ लेंगे इसके बारे में, आपको बताएं और साथ साथ आपको दिखाएंगे भी कि हाइड्रा फेशियल कैसे होता है, मेरा कैसे होता है और रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। आई जस्ट वॉश माई फेस, तो बिफ़ोर एंड आफ्टर इफ़ेक्ट भी आप देख लेंगे, और उसके अलावा इसके बारे में जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ आप उनके मुँह से जाने तो ज़्यादा बेहतर है। एक लास्ट क्वेश्चन, इज देयर एनीबडी, कोई ऐसा भी है जिसको नहीं करवाना चाहिए? देखिए, हम उस वक्त हम ऐसे नहीं करते कि कोई भी आ गया और फ़ौरन हमने कर दिया। हम पहले स्किन देखते हैं, स्किन टाइप पूछते हैं, देन वी जैसे एक्नी वाले भी करवा सकते हैं। बिल्कुल, एक्नी वाले करा सकते हैं, लेकिन हम पहले कहा ना स्किन कंडीशन देखते हैं। एक्नी वालों के लिए तो बहुत अच्छा है कि जितनी ज्यादा ऑयली स्किन है ये वो, तो वो अच्छा आपका क्या कहते हैं स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है, तो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट फॉर द एक्नी, बट इट इज अ गुड सपोर्टिव ट्रीटमेंट फॉर द एक्नी। थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। वालेकुम सलाम, प्लीज थोड़ा सा हमें हाइड्रा फेशियल के बारे में गाइडेंस दे दें। एक तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये हर कहीं से कर, आप जैसे हर सलोन ने खोला हुआ है तो अगर हम कराते हैं तो क्या इसके कोई नुकसान आते हैं और क्या चीज़ देखनी चाहिए? ठीक है, एक तो ये चेक करना चाहिए कि हाइड्रा फेशियल MD बेसिकली एक जेन्युइन मशीन है, उसके जेन्युइन सीरम्स हैं, उसकी टिप्स जो हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, सो यू शुड बी चेकिंग टिप आपके लिए नई खुल रही है, डिस्पोजेबल यूज़ हो रही है कि नहीं, प्लस उसमें कोई इधर उधर के लोकल या चाइनीज सीरम्स तो नहीं है, वो कई दफ़ा स्किन को बहुत इरिटेट कर देते हैं। अच्छा, उसके अलावा मशीन कैसी है और वो लोग कैसे हैं जो कर रहे हैं, रेनाउंड जगह है या कहीं ऐसे ही हैंकी पैंकी? कई जगहों पे तो मैंने सुना है कि वो वाटर डाल के हाइड्रा फेशियल कर देते हैं और कहते हैं जी हाइड्रा का मतलब है वाटर, तो ये वाटर से होता है। नहीं भाई, ये वाटर से नहीं होता, इसमें जो सीरम्स डलते हैं बड़े एक्सपेंसिव वाले होते हैं और अच्छे वाले सीरम्स होते हैं। सो पहला सीरम जो एक्सफोलिएट करता है, स्किन को एक्सट्रैक्शन होती हैं उसके बाद थर्ड है स्टेप जो स्किन को हाइड्रेट करता है, फोर्थ वन इज़ द लाइट्स, जिसके बाद आपके पोर्स टाइट होते हैं और आपकी स्किन बेहतर होती है और शाइन करती है। थैंक यू। सो गाइज, आई एम डन विद माई हाइड्रा फेशियल, और आपको मैंने बिफोर दिखाया था और अब आफ्टर देख रहे हैं, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो आहिस्ता आता है, बट यू कैन सी माई स्किन लुक्स वेरी हाइड्रेटेड, इट्स ग्लोइंग। एंड इसके बाद आपने 4-5 घंटे मुँह नहीं धोना होता, 2 दिन आपने कुछ और नहीं लगाना होता, एक वो ट्यूब देंगे वही लगानी होती है, एंड आई थिंक इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। एंड स्पेशली अगर आपको अच्छा हाइड्रा फेशियल चाहिए बाय प्रोफेशनल, सो प्लीज़ कम टू मदीहा राव, उनकी डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स डाल दूँगी। आई हाईली रिकमेंड कि आप इधर से कराएं, बिकॉज अच्छा हाइड्रा फेशियल सही जगह से कराना बहुत मैटर करता है। सो आई हाईली रिकमेंड यू गाइज हाइड्रा फेशियल स्पेशली बाय डॉक्टर मदीहा राव, एंड आई होप यू गाइज एंजॉय द ब्लॉग।